man Rahim alaikum students. Today we'll start next chapter uh, which is sport and movements. First of all I will give you some concept about the sport and the movement. Uh, students as you know that uh, in plants and animals uh, there is present uh, some difference uh, in their locomotion, animals show movement while plants these are not able to show their movement uh, except the upward and downward movements upward movements uh, is concerned with the movement of the stem uh, towards the sunlight and downwards the movements of the roots towards the force of gravity okay uh, animals and plants they show variety of the physical and biochemical activities no doubt both plants and animals uh, they need Sport against the force of gravity, as you know. Okay, there are present different cells in the plants which actually provide uh, sport to the baby plants. Uh, for example, the colon committeus cells, uh, colon cometeus cells, these are very important. Uh, colon committee cells, uh, these are very important because these are. Uh, the important function is to provide support to the uh, young plants and uh, the second type of the cells in the plants uh, these are given the name sclerenchymatous uh, cells uh, which actually pro uh, provide support to the adult plants or matured plants you can say okay so um, इन इन अदर वर्स अगर हम इसके अपोजिट देखें इन एनिमल्स मसल्स काटलेज एंड बोन्स दिज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच एक्चुअली प्रोवाइड स्पोर्ट इन द एनिमल्स द एनेबल देम टू मूव टूवर्ड्स द फूड और अवे फ्राम द डेंजर ठीक है या फिर इनको अगर शेल्टर की तलाश है तो उस सिलसिले में भी ये मूवमेंट एनिमल्स करते हैं नो स्टूडेंट्स वी विल सी द नेक्सट टॉपिक विच इज स्पोर्ट इन द plants okay as you know plants these are uh, exhibiting different parts like stem root leaves etc one of the most important uh, function of the stem is to give support ठीक है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिटवीन द रूट एंड द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ठीक है और इसी तरह से जो स्टेम है द फंक्शन जो स्पोर्ट का है ये शेयर करता है अमंग सेवल टाइप्स ऑफ द सेल्स स्टेम अकेला जो है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो कि स्पोर्ट स्पोर्टिव फंक्शन को परफॉर्म करते हैं द लिविंग सेल्स जो हैं लाइक एपिडमस कॉर्टेक्स और पिथ जो हैं दे टेक पार्ट इन वाटर बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज ओस्मोसिस इसी तरह से जो इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है आपको पता है कि प्लांट सेल्स के अंदर हर प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है विच इज़ फिल्ड अप विद द वाटर ठीक है और जो वो अप होता है तो वो एक प्रेशर क्रिएट uh, करता है जिसको ट्रगर प्रेशर कहते हैं ठीक है इट इज़ एन इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन अदर वर्ड्स यू कैन से विच इजामगर प्रेशर ओके ये रिजिडिटी uh, को मेनटेन करता है और uh, ये रेजिस्ट करता है बेंडिंग uh, uh, को ठीक है इफ़ दे लूज ट्रजिडी तो जो हर्बेशियस स्टेम है उनके अंदर विल्टिंग प्रोसेस हो जाता है इनके वो पत्ते जो है वो विल्ट uh, हो जाते हैं मुरझा जा जाते हैं इन अदर वर्ड्स यू कैन से ठीक है words, और डिटग्गर प्रेशर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू द डिटर्जिटिटी इन द्लांट्स ओके स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है uh, भी मैंने जो आपको सेल्स बताए हैं एपिडमस कॉर्टेक्स और पेट ठीक है इसके अलावा जो टर्गर प्रेशर के अंदर जो ट्रगर प्रेशर है जिसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट के लिए इससे नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कुछ टिश्यूज़ हैं ठीक है प्लांट्स के अंदर जो हेवीली लिग्नीफाइड सेल्स कहलाते हैं कॉर्टेक्स के और जायलम टिश्यूज़ के ठीक है अच्छा जो लिग्नीफाइड सेल्स हैं कॉर्टेक्स के दिज आर कॉल्ड एज कॉलन कायमा वेर एज लिग्नीफाइड सेल्स ऑफ जैलम दिज आर कॉल्ड दिज आर टर्म्ड एज सेक्लेरन कैमा ओके okay. जो ज़ाइलम से रिलेटेड है वो सेक्लैरन कैमा कहलाते हैं और जो कॉटेक्स से रिलेटेड है उनको कॉलन कैमा कहते हैं देखिए इन दोनों का डिफरेंस आपने ये याद रखना है दे आल्सो गे स्पोर्ट द प्लांट्स

जो प्रेशर है जो कि विंड इम्पोज करती है प्लांट्स के अंदर इसको स्किप करने के लिए स्टेम मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट बेंडिंग ठीक है इतना ट्रगर प्रेशर इसके अंदर होना चाहिए कि स्टेम जो है वो इसको रिजिस्ट करे ठीक है तबर बंडल्स कंटेनिंग दि जाइलम ये बहुत टफ होते हैं और इन एक्सटेंसिबल हैं टू परफॉर्म द सेम फंक्शन एज स्टील रॉड्स जैसे कि कॉन्क्रीट के अंदर स्टील रॉड्स नहीं मौजूद होते बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन जो है ना ये uh, इनका होता है ये रिजिस्ट करते हैं ठीक है ना स्टेम uh, के अंदर जो मैकेनिकल सपोर्ट मैकेनिकल जो स्ट्रेस है uh, जो कि विंड इंपोज करती है उसके अगेंस्ट जो है ये करते हैं ठीक है बंडल्स के अंदर जो जाइलम मौजूद है ये बिल्कुल स्टील रॉड्स की तरह है एंड दिस अरेंजमेंट एज अ रिंग ये रिंग स्ट्रक्चर है विद इन द स्टेम इट वेरी इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू द विंड स्ट्रेस ठीक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स इस दी इन लाइन को आप इन uh, लाइन्स को आप अंडरलाइन भी कर लें एंड वेट बेरिंग जो एबिलिटी है वो भी इसी रिंग uh, की वजह से है जो कि प्लांट के अंदर जो रिंग्स मौजूद हैं इन द स्टेम ऑफ द फ्यू प्लांट्स जिस तरह के सन फ्लावर है इनके अंदर uh, जो है वो uh, कुछ इस तरह की एडिशनल सेक्लरन फाइबर्स मौजूद हैं जो कि बंडल कैप बना देती हैं क्या बना देती हैं स्टूडेंट्स बंडल कैप्स बना देती हैं ठीक है द लॉस ऑफ द वाटर ड्यू टू द एक्स ओसमोसिस अब देखिए एक्स ओस्मोसिस जो है ये एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ द वाटर को uh, कहते हैं जो कि प्लांट्स uh, के बाहर जो है वो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको एक्स ओसमोसिस कहते हैं फ्रॉम द प्लांट सेल्स इट कॉजिस प्लांट और अदर पार्ट्स टू बिल्ड ठीक है इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो प्लाट्स uh, के पार्ट्स हैं वो मुरझा जाते हैं उनको विल्टिंग कहते हैं हाउ प्लांट सेल्स दे मेंटेन टर्गर प्रेशर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें ये सकलैन कैमा फाइबर हैं ठीक है मैंने अभी आपको बताया था कि सक्लैंड कैमा इज़ एक्चुअली लिंक्ड विद द जाइलम टिश्यूज़ ठीक है सक्लैंड कैमा ये सकलैन कैमा सेल्स से, हैं ठीक है ये सकलैरन कैमा सेल्स हैं जिनके अंदर एक सिंगल फाइबर है और सिंपल उसके अंदर जो डॉटेड फॉर्म में स्ट्रक्चर मौजूद है स्टूडेंट्स ये सिंपल पेट्स हैं और ये जो ऊपर है ये पेरन कैमा है जिसके बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया ठीक है मैंने आपको अभी जो बताया वो कॉलन कैमा सेल्स के बारे में बताया कॉलन कैमा जो सेल्स हैं ये लिग्नीफाइट हैविली लिग्नीफाइट सेल्स कॉटेक्स के अंदर मौजूद हैं ठीक है ये देखिए लिग्नीफाइट सेल्स हैं ये ठीक है और ये इनका ट्रांसफर सेक्शन है जिसको टी एस कहते हैं थकेंड पैक्टिन एंड सेलोज सेल वॉल्स हैं इसके अंदर ठीक है पैक्टिन और सेलोज सेल वॉल्स इसीलिए ये हेविली लिग्निफाइड सेल्स कहलाते हैं कॉर्टेक्स के ये कोलन गौ, कायमा जो है ये हेविली लिग्निफाइड सेल्स हैं कॉर्टेक्स के ठीक है स्टूडेंट्स और ये इनका लॉन्गिटूडल सेक्शन है ये वाला और ये ऊपर वाला जो है ये इनका ट्रांसफर सेक्शन है और ये इनका लॉन्गील सेक्शन है ठीक है जैसा कि इसमें दिखाया गया है और ये जो सकलैरन कैमा जो सेक्लैरट्स हैं ये भी इस तरह दिखाए गए इनके ट्रांसफर सेक्शन जो है वो दिखाया गया है स्टूडेंट्स आपकी बुक में ठीक है इसमें आप देखें जो ये सेंट्रल पोर्शन है इसको ल्यूमन कहते हैं और जो सराउंडिंग है सेंट्रल पार्ट के वो लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैं और इसके अलावा उनके अंदर जो वेन टाइप स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्रांश्ड पिट कहते हैं ठीक है ठीके? उनको क्या कहते हैं उनको ब्रांश पिट्स कहते हैं ठीक है ये ब्रांच पिट्स कहलाती हैं ओके अच्छा स्टूडेंट्स ये ये तो डायग्राम्स हैं जो आपने अभी ड्रॉ भी करनी है ये प्लांट सेल्स हैं ठीक है होपफुली कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया इसके अलावा जो है नेक्स्ट अब हम चलते हैं ट्रगर प्रेशर के ऊपर ठीक है स्टूडेंट्स जो ट्रगर प्रेशर है इट इज़ एक्चुअली जनरेटेड बाई हाई ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल वेक्यूल्स ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ और इसकी जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं ठीक है इट इज़ इट इज़ एक्चुअली गिवन द नेम टोनोप्लास्ट विच कंसिस्ट ए नंबर ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अब आप देखिए कि जो टोनोप्लास्ट है जो कि वैक्यूल के ऑटोमोस्ट में ब्रेन है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं अब इसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है विच इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन पंपिंग ऑफ द आइंस इन टू द और वस्कुलर कंपार्टमेंट्स डिस्पाइट द हायर कॉन्सेंट्रेशन देन डेट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड यू कैन से स्टूडेंट्स इसके अंदर अगेंस्ट दी कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूवमेंट होती है आइंस की बिकॉज ऑफ दी जो हायर कॉन्सेंट्रेशन uh, है वाटर एंटर्स दी वेक्यूल एंड हैंस प्रोवाइड्स ट्रजिडिटी ठीक है ना पानी जो है वो अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन uh, ग्रेडियंट वेक्यूल के अंदर एंटर होता है और इस तरह से टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है ट्रचडिटी के साथ साथ ये मैकेिकल स्पोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू सॉफ्ट इशूज ऑफ दी प्लान्ट ठीक है और इसके अलावा जो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के अंदर जो कि स्पोर्टिव हैं ठीक है उसमें सबसे पहले मैं कैमा सेल जो कि मैंने भी आपको डायग्राम भी दिखा दिखाई थी स्कलैन सेल की ये देखें ये सकलैरन फाइबर है ठीक है सिंगल फाइबर शो किया गया है जिसके अंदर पिट टाइप स्ट्रक्चर मौजूद है और ये जो है इसका ट्रांसर सेक्शन है जिसमें सिंपल पिट सेंटर में शो की गई हैं और सराउंडिंग में इनके लिग्निफाइड सेल वॉल है ये स्कलैंडा सेल फाइबर्स हैं ठीक है ये वाली ये भी स्टूडेंट स्कलैंडा सेल्स जो हैं ये थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स जो हैं उनके अंदर ये मौजूद हैं ठीक है और ये डेट एक्चुअली मेक्स दी वॉल्स टफ एंड हार्ड इनकी मौजूदगी की वजह से जो वॉल्स हैं सेल वॉल्स वो टफ हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं एंड मोस्ट ऑफ़ द स्कलैंडा सेल्स जो हैं ये नॉन लिविंग हैं स्टूडेंट्स ये लिविंग नहीं है स्कलैंडमा सेल्स जो हैं ये नॉन लिविंग हैं एंड दियर प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड स्पोर्ट टू द प्लान पार्ट ठीक है इनका जो अहम मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये स्पोर्टिव uh, में ठीक है स्पोर्ट करते हैं प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को अच्छा स्टूडेंट्स इनकी कुछ टाइप्स हैं स्कलैंडम सेल्स की सबसे पहले तो फाइबर्स हैं जिनको ट्रैकेर्स बोलते हैं उसके बाद स्कलैरट्स हैं और वेसल्स हैं जिनको ट्रैके भी बोलते हैं ठीक है फाइबर्स जो हैं दीज आर लॉन्ग एंड स्लेंड्रिकल जो कि मैंने आपको भी डायग्राम में भी शो किया था ठीक है ना और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें आप देखें कि जो स्कलैरट्स हैं दीज आर शॉर्टर दे डेट ऑफ द फाइबर्स और इम्पॉर्टेंटली uh, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं ये सीड कोड्स के अंदर मौजूद होते हैं या नट शेल्स के अंदर मौजूद हैं और मेन फंक्शन जो सलेरट्स का होता है वो प्रोटेक्शन है ठीक है मेन फंक्शन क्या है स्कलैरट्स का दिस एक्चुअली दिसवॉल्व इन दी प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ओके वैसल्स या ट्रैक के बारे में आप देख लें कि लॉन्ग टिबलर स्ट्रक्चर हैं विच आर जॉइंट एंड टू एंड ओके टू फॉर्म दी लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन दायलम ओके फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इशू आ जाता है कॉलन कैमा सेल्स के अंदर जो कि मैंने ये भी आपको आ, मैंने आपको दिखाया था अभी डायग्राम के अंदर ये प्रोटोपलास के ऊपर मबनी है एंड यूजली इट लैक्स सेकेंडरी वॉल्स इनके अंदर सेकेंडरी वॉल्स नहीं होते ठीक है ना इनकी डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं कि कोलनकाइमा सेल्स जो हैं हैव प्रोटोपलास एंड दिस यूली लैक्स सेकेंडरी वॉल्स दिज आर आल्सो स्पोर्टिव इन नेचर एंड दीज दे आर एंगुलर थिंकनिंग इन दियर प्राइमरी वॉल्स देखिए अब देखिए सकेंडरी वॉल्स तो इनके अंदर है नहीं ठीक है कॉलन कैमा सेल्स के, के अंदर सेकेंडरी वॉल्स नहीं है इसका मतलब है कि प्राइमरी वाल्स मौजूद हैं और जो प्राइमरी वॉल्स हैं ना उनके उनके अंदर एंगुलर थिकनिंग है अब स्टूडेंट्स एंगुलर थिंनिंग का मतलब ये है कि इनके जो कॉर्नरस हैं वो थिकर्ड होते हैं या हेविली है लिग्फाइड होते हैं दीज आर यूली ग्रुप्ड इन स्ट्रैंड या इनको सिलेंडर्स के अंदर ग्रुप करते हैं दिज आर आल्सो वेरी स्पोर्टिव इन हेबिशियस पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स ठीक है ना जो बहुत नरम और पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उनको सपोर्ट करते हैं ये जैसे यंग स्टेम हो गई फॉर एग्जांपल ओफन ये सिलेंडिकल जो कोलन कैमा है इट इज़ जस्ट ब्लो दियर सर्फेसिस यानी कि जो यंग स्टेम है उनकी नीचे वाली सर्फेस में ये मौजूद होता है कोलन कैमा सेल्स जो हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं स्टूडेंट्स कोलन कैमा सेल्स जो हैं दिज आर इलास्टिक एलोंगेट विद द ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स एंड द लीव्स जैसे जैसे स्टेम्स की और लीव्स की ग्रोथ होती है बिल्कुल वैसे वैसे कोलन कैमा सेल्स जो हैं ये भी इलाज होते हैं ओके स्टूडेंट्स होपफुली uh, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट जो वो है वो क्लियर हो गए हैं अच्छा स्टूडेंट्स कुछ सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में अब हम स्टडी करेंगे ठीक है अच्छा सेकेंडरी ग्रोथ के सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए सेकेंडरी uh, ग्रोथ जो है इट अकर्स ड्यू टू द सेल डिवीजन इन वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ठीक है सेल सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं किसको है सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये कहाँ पर ग्रोथ होती है डिवीजन इन वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम स्टूडेंट्स वस्कुलर कैम्बियम में और जो कॉर्क uh, कैम्बियम है इनके अंदर जो ग्रोथ होती है या डिवीजन होती है उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं एन इंक्रीज इन प्लांट ग्रिथ ड्यू टू द वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्कैम्बियम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ ओके और ये जो है ये वुडी प्रीनियल प्लांट्स लाइक ट्रीज श्रब्स और वाइन्स वगैरह में uh, ये मोस्ट एविडेंट है ठीक है अच्छा जी वस्कुर केमियम स्टूडेंट्स ये फर्स्ट अपीयर्स एज अ सिलेंडर ऑफ द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ठीक है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोइम के अंदर ये मौजूद हैं वस्कुर केम्बियम जो है गिव्स राइज टू टू न्यू टिश्यूज ठीक है आ, एक को हम सेकेंडरी साइलम कहते हैं दूसरे को सेकेंडरी फ्लोइम कहते हैं और फिर आप आ जाएँ सेकेंडरी साइलम जो है ये कॉज करता है मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन द स्टेम थिकनेस ठीक है स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी है इट कॉजेज मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन द स्टेम थिकनेस एंड ओवर द ओवर द इयर्स अ वुडी स्टेम इट एक्चुअली गेट्स थिकर एंड थिकर एज इट्स कैंबियम प्रोड्यूस लेयर अपॉन अपॉन दम सेल्स ठीक है आपको पता है कि जो इनको हम एनुअल uh, रिंग्स भी कहते हैं अगर स्टेम की कटिंग की जाए ना तो कुछ रिंग्स जो हैं वो विजिबल होते हैं और इनको एनुअल रिंग्स भी बोलते हैं सिंस वन ग्रोथ रिंग इज एक्चुअली फॉर्म्ड इन वन ईयर ठीक है एक साल के अंदर एक रिंग बनता है काउंट ऑफ द रिंग्स एट द बेस ऑफ द ट्रंक इंडिकेट्स द एज ऑफ द ट्री एट दैट एट द टाइम इट वॉज कट ठीक है ना इन मोस्ट ऑफ़ द ट्रीज जो कंडक्शन है वाटर की और डिजोर्स ऑफ की इट इज बाय द सेकेंडरी दिलइल इट बिकम लिमिटेड टू द आउटर और यंगर पोर्शन ऑफ ऑफ द एट ठीक है अच्छा स्टूडेंट्स uh, देखिए इसमें बड़े एक्टिव uh, जो पोर्शन होते हैं ना uh, ठीक है उसको हम कहते हैं सेपवुड और जो इनएक्टिव या नॉन कंडक्टिंग वुड हो जाती है उसको हार्ट वुड कहते हैं ये आपने स्टूडेंट्स बिल्कुल जहन में अपने बात ये मेमोराइज करनी है कि बहुत सारे ट्रीज़ इस तरह के हैं जिनके अंदर वाटर की कंडक्शन जो है और यहाँ रिजोर्स ऑफ जो हैं बाई द सेकेंडरी आइलम ये बहुत लिमिटेड हो जाती है टू द आउटर और यंगर पोर्शन ऑफ डेड टिश्यू ठीक है और इसमें आपने ये याद रखना है कि सेप वुड किस कहते हैं और हार्ट वुड किस कहते हैं जो एक्टिव पोर्शन होता है वुड का जिसमें कंडक्शन होर ही होती है उसको सेप वुड कहते हैं और जो इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड है उसको हार्ट वुड बोलते हैं इन मोस्ट स्पीशीज द हार्ट वुड एक्मेट्स वराइटी ऑफ द केमिकल्स सचेज इसमें रेजेंस ऑयल्स गम्स और टेनिस् जो हैं स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं ठीक जो कि बायो एक्टिव भी हैं एंड दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू डिके एंड इंसेक्ट अटैक ये प्रोटेक्टिव इन नेचर भी हैं ठीक है स्पोर्ट भी करते हैं ये डिके को यानी कि किसी भी चीज़ को के डिस्ट्रक्शन से वो बचाते हैं रेजिस्ट करते हैं और इंसेक्ट के अटैक से भी बचाते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखें कि जो रेड सिडार है या आ, और जो कॉनीफर्ड्स हैं ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं ठीक है स्टूडेंट्स अब इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें देखें डाइकोट वुडी स्टैम्प जो है वो शो किया गया है इसकी ये डायग्राम है ये मैंने भी आपको कॉक कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम दोनों बताए हैं ये आप देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा कॉर्क कैम्बियम ठीक है ये है जी कॉक कैम्बियम और ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी एक ट्रांस सेक्शन जो है वो दिया हुआ है बाघ का और बाघ से नीचे जो है वो ये देखें वस्कुलर कैम्बियम जो है वो स्टार्ट हो जाता है ठीक है और जो वस्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम और इसका जो वुड पार्ट है वहाँ पे एनुअल रिंग्स बनते हैं और ये आप देख रहे हैं एनुअल रिंग्स जो डार्कर पार्ट्स है, हैं ये एनुअल रिंग्स कहलाते हैं ठीक है क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स एनुअल रिंग्स और यहाँ से जो है वो एज मैयर की जा सकती है जितने रिंग्स होंगे उतने ही साल जो है वो काउंट किए जाएंगे प्लांट्स के ठीक है और इसके अलावा जो है जो एक तो होता है सैपवुड कहते हैं दूसरे को जो है वो हार्टवुड कहते हैं सैपवुड ये देखें ये डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ इसकी डेफिनेशन में आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो सेपव है ठीक है ये एक्टिव पोर्शन है जो कि कंडक्शन में इन्वॉल्व है और जबकि जो हार्ट वुड है ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हार्ट वुड ठीक है ये जो है वो एक्टिव पार्ट है जहाँ पे कंडक्शन जो है वो हो रही होती है ठीक है स्टूडेंट्स ये दोनों डायग्राम्स जो हैं बेटा ये अभी आपने ड्रॉ करनी है ठीक है ये आज का आपका वर्क है और इन श्लास क्लासरूम में भी मैं आपको स्टडी करवाऊँगी ये अगेन रिपीट करवाऊँगी और आपने ये जो है रिवाइज़ भी करना है इसको दोबारा से पढ़ना है और डायग्राम्स जो हैं आपने ये सारी ड्रॉ करनी है ठीक है अच्छा स्टूडेंट्स जो वुड है फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ़ द ट्रीज दे डिफर ग्रेटली इन डयर सुटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक यूजेस आपको पता है कि इनका यूज डिफरेंट है डिफरेंट प्लांट्स uh, की जो वुड है उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है फ्लेक्सिबिलिटी पे फिर शॉक रेजिस्टेंसबिलिटी पे कंप्रेशन के ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर इवन उनका जो टेक्स्चर है ये सारी uh, जो कैटरिस्टिक फीचर्स हैं किसी भी uh, जो वुड की एक्चुअली डिटरमाइन क्वालिटी एंड कमर्शियल यूज ऑफ डेट वो ओके कमर्शियल इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द ऑफ़ द ट्रीज सच एस आप देखें इसमें जो कर्क सुबह है इसकी एग्जाम्पल जो है वो कोट की गई है ओके स्टूडेंट्स एंड दैन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है कैम्बियम का ये कैलस को बनाना है और वुड टिश्यूज ऑन और ओवर द ठीक है सॉफ्ट पेन कैमेटियस टिशूज जो हैं दीज आर रेपिडली फॉर्मड ऑन और बिलो द डैमेज सर्फेस ऑफ द स्टेम्स ऑफ द रूट्स जो कैलस है यूनाइट्स द ब्रांचेस ड्यूरिंग द बडिंग एंड ग्राफ्टिंग आपको पता है कि बडिंग और जो ग्राफ्टिंग है ये आ, बड़ा इंपॉर्टेंट एक मेथड है जिससे जो है न्यू प्लांट्स जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं और ग्राफ्ट से तो आपको पता है कि डिफरेंट uh, स्पीशीज uh, की क्वालिटीज को कम्बाइन किया जा सकता है ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैम्पियम का इस टू फॉर्म कैलस ठीक है या वो टिश्यू ऑन और ओवर वाउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और uh, ठीक है स्टूडेंट्स मेरा ख़्याल है कि आज के लिए इतना एन एफ है और इसके आपने डायग्राम्स ये वाली जो डायकोड वुडी स्टैम्प की डायग्राम है ये डायग्राम और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है ये डायग्राम जो हैं ये आपने आज ड्रॉ करनी है ये वाली डायग्राम्स हैं Uh, जो कि स्पेशलाइज प्लांट सेल्स हैं इनकी डायग्राम्स जो हैं वो आपने याद करनी है डेफिनेशन सारी याद करनी है इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द मूवमेंट इन द प्लांट्स ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ